मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर यादव ब्रदर्स। और हम ये जो वीडियो है ये काफ़ी समय के बाद डाल रहे हैं क्योंकि हमको बहुत टाइम नहीं मिला, हम हमारे काम में बहुत बिजी थे, तो हमको आज टाइम मिला है तो हम आपको एक नई रेसिपी दिखाने वाले हैं। और जो पहली रेसिपी रहेगी वो रहेगी चिकन सुक्का। और पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चिकन सुक्का से, तो उसकी रेसिपी कैसी रहेगी और किस तरीके से बनाया जाता है जो हम बनाते हैं वो आपको पूरा हम वीडियो दिखाएंगे स्टार्ट टू एंड तक। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका प्रिपरेशन। हमने चिकन लाया है और लिवर पोटा भी लाया है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे चिकन सुक्का के लिए, तो उसका जो मसाला है वो सब रेडी करता हूँ मैं, तब तक के लिए आप बने रहिए और आगे की प्रोसेस देखिए। चलिए फिर स्टार्ट करते प्रिपरेशन। तो ये है हमारा चिकन, तो ये लगभग अराउंड 1 kg के आसपास है चिकन है हमारा, विद बोन है ये चिकन। और इसी के साथ में हमारा ये जो बाजू में है ये लीवर पेटा, ये भी लगभग अराउंड 1/2 kg के आसपास है। तो आप देख सकते कि हमने अलग अलग करके लिया है, लीवर पेटा को अलग किया और ये जो हमारा चिकन है उसको अलग करके लिया है। तो अभी हम इसको इनिशियली मैरिनेट करने वाले हैं, तो थोड़ा नमक डाल देना है इसमें स्वाद अनुसार, और इसमें भी थोड़ा हम लोग लीवर पोटा में भी थोड़ा नमक डाल के लेंगे। हाँ, और ये डाल रहे हैं हम 1 tablespoon चिकन मसाला, तो उसमें भी हम 1 tablespoon चिकन मसाला डाल के लेंगे। फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी चिल्ली पाउडर। अब इसको थोड़ा हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली जो भी मसाले है वो चिकन में सोक हो जाए। इस तरीके से हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है हाथों से। अभी हम ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि घर का है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम ही खाने वाले हैं इसलिए हम डायरेक्ट हाथ से ही कर रहे हैं। सिमिलरली हम लीवर पेटा को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करके हम थोड़ा देर रख देंगे इसको, अराउंड 20-30 minutes, और तब तक जो बाकी सामग्री है मसाले की वो प्रिपेयर करेंगे। तो अभी हमारी ज़ोरदार तैयारी चालू है यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे ऑनियन काट रहे हैं और हमने लिए लगभग 5 से 6 कांदे, और उसको अच्छे से बारीक काट के लेना है। तो ये मसाला दोनों का है। हाँ, और ये मसाला जो है हम लीवर पेटा के लिए भी यूज़ करेंगे ये, और इवन चिकन मसाला के लिए भी यूज़ करेंगे, चिकन सुक्का। हाँ, चिकन सुक्का के लिए। तो फिर यहाँ पे देखो हमने लहसुन भी लिया है बहुत सारा, और साथ में टमाटर भी है, ये है पुदीना और ये है धनिया, तो और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक है, ये अदरक भी है इसके अंदर। तो ये सब हमारे लीवर पेटा और चिकन सुखा में ये सब डालना जाएगा आज। आज हमने एक खास आदमी बुलाया है। वह है एक्चुअली है तो शेफ, पर उसको कांदा काटने भी नहीं आ रहा है, वो तो अलग बात है। पर उसने उसने HM की डिग्री ली है। तो ये आप हम चालू है अभी काटने का काम, जैसे आगे का हमारा मसाला रेडी होएगा हम आपको आगे की रेसिपी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा मसाला है, ये पूरा सामग्री है, ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे है हमारा कांदा, अराउंड 6 onions, टमाटो कितना है 5 टमाटो, और एक पेंगी हमारा पूरा कोथम्बीर है, और लगभग 20-25 लहसुन हमने लिए है, और यहाँ पे जिंजर है, और यहाँ पे जिंजर है। तो अभी मैं टमाटर और जिंजर पीस के लूंगा और आधा धनिया लूंगा पीसने के लिए, बाकी का फिर आपको आगे दिखाते हैं। और साथ में मैंने पुदीना भी लिया है, ये अपना पुदीना है अपना फ्लेवर के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते है। ये मिक्सर का जो बर्तन है इसमें हम टमाटर ऐड करके ले रहे हैं, तो इसमें हम टमाटर पहले ऐड कर रहे हैं, फिर थोड़ा धनिया ऐड करेंगे इसमें,
फिर अदरक ऐड कर रहे हैं उसके अंदर हम, टमाटर और अदरक। तो पहले आधा पीस लेंगे, उसके बाद बाकी का वो फिर पीस लेंगे। ऑन करेंगे। अभी जो बचा हुआ मसाला है, धनिया और थोड़ा अदरक, उसको भी हम पीस लेंगे उसी मिक्सर के बर्तन में। तो हमने पूरा धनिया नहीं लिया है, हमने सिर्फ आधा धनिया लिया हुआ है और थोड़ा गार्लिक जो है उसमें का वो भी हम ले रहे हैं। आधा क्वांटिटी गार्लिक जो है वो हम पीस के लेंगे। जो पुदीना हम भूल गए थे, हम वो भी ऐड करके ले रहे हैं वही मिक्सर के बर्तन में। तो पुदीना थोड़ा मिंट फ्लेवर देता है, इसलिए उसको ऐड कर रहे हैं। हाँ, और जो पुदीना है वो पूरा डाल दिया हमने। तो ये जो पहली पेस्ट थी वो टमाटर की और जिंजर की थी, और सेकंड पेस्ट कोथिंबीर, पुदीना और लहसुन की है। तो अभी हम दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से, रख देंगे। तो ये हो गया हमारा मसाला रेडी। अभी हम लोग, आप देख सकते हो हमने तेल ऐड किया है, थोड़ा आ गया। तो आप तेल कितना क्वांटिटी में हमने डाला आप चेक कर सकते हो। तो हमारा कुकर जो है वो ठीक अच्छी से तरीके से गर्म हो गया है और हमने उसमें तेल ऐड किया है। और जो हम तेल यूज़ कर रहे हैं वो है सेंग तेल। तो इसको थोड़ा गर्म होने देंगे हम इस तेल को। बड़ी इलायची है उसमें हम पहले डाल रहे हैं बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची हमने डाल दी इसके अंदर। और फिर डाल रहे हैं दालचीनी, तो दो लकड़ियाँ हम दालचीनी के डाल दी इसके अंदर। और थोड़ा मिरी डालेंगे, अक्खा मिरी डालेंगे इसके अंदर। तो हमने लगभग 5-6 मिरी डाल दी इसके अंदर। और हम डालने वाले हैं लौंग, लौंग भी हमने करीबन 5-6 लौंग डाल दी है इसके अंदर। तो ये खड़ा मसाला है, ये बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है। तो इसको थोड़ा हम अच्छे से फ्राई होने देंगे तेल में, पूरा इसका फ्लेवर उतर जाए ताकि। तो वो सोच के हम इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और अभी हम डाल रहे हैं इसमें जीरा, 1 टेबलस्पून जीरा हमने ऐड किया है। 1 और 1.5 टेबलस्पून तुम जीरा ऐड कर दीजिए। और गैस को धीमी आंच पे रखिए ताकि पूरा फ्लेवर अच्छे से तेल में उतर जाए। अभी हम ऐड करेंगे इसमें सौंफ ऐड कर रहे हैं हम अराउंड 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून के आसपास। तो बड़ी सौंफ भी हमारी ऐड करके हो गई है। और हमारा मसाला आप देख सकते हो किस तरीके से पक रहा है, तड़तड़ आवाज आ रहा है मसाले का। और अभी हम इसमें वापस ऐड करने वाले हैं इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है वो हम ऐड करेंगे। हमने करीबन 4-5 इलायची डाल दी है छोटी वाली। तो इस प्रकार से हमारा खड़ा मसाला पूरा रेडी हो रहा है, तेल में अच्छे से फ्राई हो रहा है। और अभी लास्ट में हम डाल रहे हैं राई भी हमने अराउंड 1 टेबलस्पून ले ली है। तो वो भी हमने डाल दिया। राई डालने के बाद थोड़ा तड़का उड़ता है तेल आंच पे, तो थोड़ा दूर खड़ी रही है। और अभी आखिरी में हम डाल रहे हैं लहसुन। हाँ, मतलब ये जो हमारा मसाला रेडी हो रहा है, चिकन सूखा के लिए हम रेडी कर रहे हैं, चिकन सूखा के लिए ना। हाँ, तो इसमें थोड़ा लहसुन हमने ऐड कर दिया है। हाँ, आधा लिया ना। हाँ,
और अभी हम आधा ऑनियन जो है वो उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था हम दो रेसिपी बनाने वाले हैं, एक लीवर पेटा और एक चिकन सूखा। तो ये चिकन सूखा के लिए हमने आधा आधा जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे कुकर में डाल के ले लिया है, जिसमें अभी लहसुन और कांदा डल गया है अच्छे से। अभी हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करी है। और इसका ध्यान रखिए कि तुम जो प्याज है उसको थोड़ा बारीक काटिए, अभी थोड़ा मेरे दोस्त ने थोड़ा इसको बड़ा काट दिया है, नहीं तो फिर हम यूजुअली बारीक ही काटते हैं। फाइन चॉप किया हुआ रहेगा तो फ्राई होने में दिक्कत नहीं होती, जल्दी फ्राई होता। तो इस प्रकार हमारा जो इनिशियल तड़के वाला मसाला है वो फ्राई हो रहा है। तो ये जो है कंटिन्यूसली इसको स्टर कर रहे हैं और ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको थोड़ा फ्राई करना है धीमी आंच पे। स्लाइटली फ्लेम हाई रख सकते हो पर ज़्यादा भी हाई मत रखिए। हमारा एक मास्टर शेफ है वो मैं बहुत मेहनत कर रहा है फ्राई करने के लिए, उसको खाना बनाना आता नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए शेफ है। तो ये जब तक पूरी तरीके से फ्राई हो जाए तब तक हमको वेट करना है। तो इस तरीके से अपना जो कांदा है अच्छे से फ्राई हो रहा है। पॉज करूँ ना, लास्ट में हम डाल रहे हैं, ये जो लास्ट में हम डाल रहे हैं ये है डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी लगभग 3-4 टेबलस्पून हमको ऐड करना है अपने अंदाज के हिसाब से, जिसको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा करे, जिसको कम चाहिए कम करे। तो ये लास्ट में हमारा इंग्रेडिएंट डल गया है डेसिकेटेड कोकोनट का, आफ्टर ऑनियन। ये हमारा हमने एक स्पेशल आदमी रखा है जो सिर्फ आके हिलाता है हिलाता है मतलब स्टर करता है हिलाने के लिए आदमी रखा है ये आके स्टर करता है, बहुत मेहनत लगती है स्टरिंग में, जो अच्छे से स्टर करता है। वो एक्चुअली कैमरा के सामने आना चाहता नहीं है इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि जितना मैन पावर चाहिए उतना मैं दे सकता हूँ, फिर मेरा शक्ल सामने नहीं आना चाहिए। और ये जो खुशबू है, ये जो हमारे इनिशियल तरीके की जो मसाला जो हमने डाला है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, प्यारी खुशबू आ रही है। जो भी टाइप के मसाले डले इसमें, खड़े मसाले, फिर कांदा, लहसुन और ये खोबरा, इसका एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही मस्त ऐसा नाक में एरोमेटिक फ्लेवर बोल सकते हैं, जो अभी से ही हमको खाने में दिलचस्पी ला रहा है। अभी तो चिकन पकना बाकी है पर ये सब करने के लिए मेहनत भी बहुत लगती है। और पहली बात तो ये कि हम बैचलर्स मिलके बना रहे हैं, कोई भी हमारे घर पे लेडी नहीं है जो पका रही है खाना। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये है मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था इनिशियली, जो आपको हमने दिखाया है, वो ये मसाले को अभी हम थोड़ा अच्छे से मिक्स करके ले रहे हैं।
और अब इसको ऐड करने वाले हाफ क्वांटिटी जो है हम ऐड करने वाले है चिकन मसाला में, आई मीन चिकन सूखा में। हाफ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं हम, और जो बची हुई हाफ क्वांटिटी है वो रखेंगे हम लीवर पेटा के लिए। तो हमारी आधी क्वांटिटी ऐड करके हो चुकी है, अब इसको भी हम अच्छी तरीके से पकाएंगे वही ऑयल के अंदर, ताकि जो भी स्मेल है मसाले का वो निकल जाए और अच्छे से मसाला फ्राई हो जाए। यहाँ पसीना भी बहुत आ रहा है किचन में, फैन नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, गर्मी भी हो रही है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसे अच्छे से पकने देते हैं हम, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं फिर चिकन ऐड करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मसाला ने तेल छोड़ दिया है, मतलब अच्छी तरीके से हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है। ये इंडिकेशन है जब तुम्हारा मसाला तेल छोड़े तो समझने का कि तुम्हारा मसाला प्रॉपरली कुक हो गया है, तो ये इंडिकेशन है, तो लगभग तुम्हारा मसाला रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, जो हमने रॉ चिकन लिया था जिसको मैरिनेट किया था उसको भी हम ऐड करने वाले हैं। तो अब देखिए कि हमने सब चिकन के पीसेस जो है वो ऐड कर लिए है इस मसाले में। और जो अपनी रेसिपी है वो है चिकन सुक्का, तो इसमें ग्रेवी बहुत कम रहने वाली है, यूजुअली सिर्फ फ्राइड जो कुक चिकन रहेगा अच्छे से जो बॉइल हुआ रहेगा वही हम यूज़ करने वाले हैं, ज़्यादा इसमें पानी नहीं रहेगा, ग्रेवी नहीं रहेगी। जो वापस से हमको उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है मसालों के साथ में हमारे चिकन को, जब तक इसका फैट मेल्ट ना हो जाए, चिकन का फैट मेल्ट ना हो तब तक हमें इसको फ्राई करते रहना है। तो अभी हमने ऑफिस हिलाने वाला आदमी लेके आए, ये ही काम करता है हिलाने का। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप सूंघ तो नहीं सकते पर आप देख तो जरूर सकते हो। सूंघ खाली हम ही सकते हैं। और आप इसके लिए थोड़ा हाई फ्लेम रख सकते हो, क्योंकि एक बार आपका चिकन जल गया डालने के बाद आप हाई फ्लेम थोड़ा रख सकते हो, क्योंकि लो रख के भी मतलब नहीं है। अभी इसके बाद अभी हम आगे डालने वाले हैं वो है पाउडर मसाले। तो आप पाउडर मसाले देख सकते हो कि हम कौन से ऐड करने वाले हैं। ये क्या गैस? तो अभी हम डाल रहे हैं अराउंड 1.5 टेबल स्पून जीरा पाउडर। भर के ले, भर के ले, और भर के ले। मतलब लगभग 1.5 चम्मच डालना है, तो ये हमारे एक्सपर्ट आदमी ही है इसलिए वो ऐड कर रहा है। इसके बाद हम डालने वाले हैं हल्दी, हल्दी भी 1 चम्मच डालिए भर के, पूरा भर के नहीं डालिए, फ्लैट चम्मच भर के डालिए। और ये आने वाला है हमारा गरम मसाला। ए भाई उसके डाल मत, कौन से डालना? हाँ तो ये आधा चम्मच डल गया हमारा गरम मसाला। हमने गरम मसाला पहले भी ऐड किया था, अभी भी अभी जो थोड़ा ऐड कर रहे हैं, तो हाफ हाफ चम्मच अराउंड 1 चम्मच हमने ऐड कर दिया। और हल्का सा डालेंगे पेपर पाउडर, एकदम थोड़ा सा, अराउंड बोलते हैं ना 1/3 ले लीजिए,
वन थर्ड है ना कि वन फोर्थ है? हाँ वन फोर्थ ले लीजिए। और आखिर में डालने वाले हम धनिया पाउडर। हाँ ये डालने वाले हम धनिया पाउडर, ये भी अराउंड डेढ़ चम्मच डाली हमने, डेढ़ चम्मच टेबल स्पून। और अभी डाल रहे हैं हम आखिरी में कश्मीरी मिर्च, ये अराउंड एक चम्मच डाली है। ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ ये तुम्हारे इसको फ्लेवर और कलर देती है, तो एक डेढ़ चम्मच आप डाल सकते हो। तो आप एक से दस चम्मच डाल सकते हो। और ये जो है हमारा एक नया मसाला है, इसको हम बोलते हैं घाटी मसाला, जो हमारा स्पेशली प्रिपेयर मसाला होता है हमारे घर का। ये हमारे जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में यूजुअली प्रिपेयर करते हैं, तो ये हम घाटी मसाला जो है ये ऐड करेंगे अराउंड एक चम्मच, एक से दो चम्मच ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल मसाला रेडी पूरा सब डाल के। अभी इसको शेक करेंगे बुलात न से। आखिरी में हम भूल गए थे चिकन मसाला डालने के लिए, तो चिकन मसाला भी अराउंड वन टेबल स्पून हमको इसमें ऐड करना है। ये सब होने के बाद इसको वापस से एक्जीव करना है हमको, अच्छे से मिक्स करके लेना है। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी भी तुम ऐड कर सकते हो, ताकि मसाले बहुत सूखे हो गए रहेंगे, तो आप थोड़ा सा आधा कप पानी ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि वो मसाला अच्छे से होमोजीनियस मसाला हो जाए चिकन के साथ में। और इसको हिलाते रहिए और तब तक इसको पकाइए जब तक ये जो चिकन है ये ऑयल छोड़ना स्टार्ट ना करे, तब तक इसको पकाइए। और गैस इसको फास्ट पे रखना है हमको अभी, क्योंकि सब मसाले गल चुके हैं, अभी गैस को फास्ट करना है हमको और इसको कुक होने देना है। तो करीबन इसको 10 मिनट्स तो लगेंगे कुक होने के लिए फास्ट गैस के ऊपर। तो ये जो है हमारा चिकन ऑलमोस्ट पकने लगा है, मस्त इसका जो ऑयल है छूटने लगा है, चिकन का ऑयल मिक्स हो गया मसालों के साथ और एक मस्त ही रोमांटिक फ्लेवर आ रहा है। सॉरी एरोमेटिक फ्लेवर आ रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है हमको स्मेल और टेस्ट तो नहीं स्मेल। अभी हम इसमें सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है जो होता है सॉल्ट, जो टेस्ट देता है हमारे कोई भी रेसिपी को, तो वो हम ऐड करने वाले हैं। तो हमने अराउंड 1.5 चम्मच सॉल्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर टेबल स्पून। ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लेवर मतलब जो तुम्हारे पूरे खाने को टेस्ट देता है वो होता है नमक, तो नमक ऐड करना नहीं भूलिएगा। और नमक भी ज़रा सोच समझ करके ऐड करिए, अगर ज़्यादा भी आपने ऐड किया तो फिर वो बहुत नमकीन हो जाएगा। हाँ, और जो पहले ऐड किया था नमक वो भी हमने किया ही है थोड़ा सा, और वापस हमने ऐड किया, दो बार हमने नमक ऐड किया, मैरिनेशन का टाइम पे ऐड किया था और वापस से अभी सेकंड टाइम हमने डेढ़ चम्मच नमक ऐड किया। तो अभी इसको ऑलमोस्ट ये जो मसाला है और चिकन कुक हो चुका है, अभी इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सिटी मारेंगे और वापस इसको ड्राई करेंगे, ताकि ये जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो ये फाइनल जो है हम अब इसमें कुकर लगा रहे हैं और इसको अच्छे से पकने को देंगे हम, और सिटी भी लगा लिया उसके ऊपर। तो करीबन कितने सिटी करने देंगे? 7 या 8 सिटी हम होने देंगे इसके। तो ये
चिकन सूखा है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, थोड़ा सा हमने ग्रेवी रखा है ताकि पूरा भी सूखा ना हो जाए, चावल के साथ खाने आ सकता है, इसमें थोड़ा ग्रेवी ऐड किया है। उसको ड्राई कर देंगे तो आप चिकन सूखा भी हो सकता है, तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना है। थोड़ा ग्रेवी रखते हैं तो हल्का सा ग्रेवी रख सकते हैं, और ये ऐड कर रहे हैं हम धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और हमने स्टॉप कर दिया है। तो ये अपने रेडी हो चुका है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पक्का इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिए कैसी बनती है, और हमको इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।